हाल ही में एक इवेंट के दौरान चेतन भगत ने उर्फी जावेद को लेकर टिप्पणी की थी। इस इवेंट के दौरान चेतन भगत ने कहा था कि आज के यूथ पूरे दिन उर्फी जावेद की फोटो लाइक करती है, उर्फी तो अपना करियर बना रही है। चेतन की ये बात उर्फी को रास नहीं आई। उन्होंने पलटवार करते हुए उन पर मीटू का आरोप लगने के बाद माफी मांगने वाला उनका स्क्रीनशॉट शेयर किया है। उर्फी ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर मीटू आंदोलन के दौरान कई महिलाओं के साथ लेखक की चैट के स्क्रीनशॉट शेयर कर दिए, जब उन पर अपनी से आधी उम्र की लड़कियों के साथ छेड़खानी करने का भी आरोप लगाया गया था। अपनी स्टोरी में उर्फी चेतन भगत पर निशाना साधते हुए लिखती हैं कि जब अपने से आधी उम्र की लड़की को इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप पर मैसेज कर रहे थे, तब भी उन लड़कियों के कपड़ों ने भड़काया था क्या? ऐसे आदमी होते हैं जो अपनी कमियों को मानने की जगह औरतों को गलत ठहराते हैं। तुम बेवजह में मुझे अपनी बातों में लेकर आए, मेरे कपड़ों के बारे में बोला कि उनसे युवा लड़के भटक रहे हैं, ये घटिया हरकत है। तुम्हारा युवा लड़कियों को मैसेज करना उन्हें भटकाना नहीं था? उर्फी आगे लिखती हैं कि रेप कल्चर को बढ़ावा देना बंद कर दो तुम बीमार दिमाग वाले लोगों। मिस्टर चेतन भगत, मर्दों को बर्ताव के लिए औरतों को जिम्मेदार ठहराना पुरानी सोच है। हमेशा दूसरे जेंडर पर उंगली उठाओ, अपनी गलती मत देखो। तुम्हारे जैसे लोग लड़कों को ये सिखा रहे हैं, मैं नहीं, तुम जैसे लोग लड़कों को सिखा रहे हैं कि कैसे अपनी गलतियों का ठीकरा औरतों और उनके कपड़ों पर फोड़ा जाता है। बता दें कि लेखक चेतन भगत ने साहित्य आज तक के कार्यक्रम में उर्फी जावेद को लेकर टिप्पणी की थी। इस कार्यक्रम में चेतन भगत ने कहा कि इंटरनेट पर अच्छी चीज है, लेकिन उसने हमारे यूथ को कमजोर बना दिया है। उन्होंने कहा था कि लड़के सारा दिन रील्स देखते रहते हैं, फोटो लाइक करते रहते हैं। चेतन यही नहीं रुके, बल्कि ये कहा कि यूथ उर्फी जावेद की फोटोज लाइक करते हैं। उन्होंने कहा कि उन्हें उर्फी की ड्रेसेस के बारे में पता है, उर्फी की गलती नहीं है, वो अपना करियर बना रही हैं। चेतन आगे कहते हैं कि लोग बिस्तर में घुसकर उर्फी की फोटो देख रहे हैं, आज वो भी उर्फी की तस्वीर देख कर आए हैं। इस दौरान चेतन भगत ने उर्फी के कपड़ों को लेकर कहा कि आज उर्फी ने दो फोन पहने हैं। चेतन का कहना है कि उन्हें उर्फी जैसे लोग मिलते रहते हैं और इस पर कहानियां बनती रहती हैं। बता दें कि उर्फी ने इस मामले को लेकर एक वीडियो भी पोस्ट किया है, जिसमें वो कह रही हैं कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि साहित्य आज तक में मेरा नाम लेने की जरूरत क्या थी। मैं कोई लेखक नहीं हूँ, मेरा कोई लेना देना नहीं है, और ये कहना कि मेरी वजह से यूथ खराब हो रही है, चुपके चुपके लोग मेरे पोस्ट देखते हैं। आप तो बड़े हो, यूथ छोड़ो, आप तो यूथ के अंकल के उम्र के हो, आप शादीशुदा होने के बावजूद अपने से आधी उम्र की लड़कियों को क्यों मैसेज कर रहे थे? तब कुछ खराब नहीं हो रहा था आपका, ना आपकी शादी खराब हो रही थी, ना आपके बच्चे खराब हो रहे थे, ये सब हरकतें करके। फिलहाल तो उर्फी और चेतन का ये मामला काफी बड़ा होता हुआ दिखाई दे रहा है। अब ये टॉपिक आगे कौन सा मोड़ लेता है, इसके बारे में हम आपको अपडेट करते रहेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, क्राइम तक।